केस में अगर 2 + 2 किया जाए तो सीधी तरीके से एक बात समझ में आती है, इस अय्याश केशव का अपने पूजा पाठी चचेरे भाई अरुण की बीवी गायत्री के साथ अफेयर था। जैसे ही अरुण को इस बात की भनक लगी, उसने सबसे पहले अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया और 3 महीने के बाद केशव। और जिस तरीके से वहां पे सुसाइड नोट रखा हुआ था हमें गुमराह करने के लिए, उस तरीके से यहाँ पे गजरा रखा हुआ है। मगर सुसाइड नोट में गायत्री की हैंडराइटिंग दोनों तरफ अलग अलग थी और ये बात दो दो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स ने पक्की की है। एक काम करो, गायत्री, केशव और अरुण तीनों के फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, इन तीनों में कोई ना कोई कनेक्शन होना ही चाहिए।